नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ओरेकल डेटाबेस के बारे में। जी हाँ, हमने SQL डेटाबेस के बारे में वीडियोज हम बना रहे हैं, अपलोड भी करते हैं और इसकी हम ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं ओरेकल डेटाबेस को भी करूं। तो ओरेकल डेटाबेस को मैंने यहाँ से डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लिया है 10G, और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इजिली जाके कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। आप इसकी ओरेकल की साइट पे जाए, इसका अलग अलग वर्जन से, लेकिन मैंने 10G किया है, ऐसे इसके 12C भी है, 18C भी है, तो बहुत सारे वर्जन है इसका, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो एक्सपीरियंस एडिशन है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डेटाबेस को ऑरेकल डेटाबेस के हैं, यहाँ पे आप जाइए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आईडी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करके बना लेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग इतना कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आप इस वीडियो में कि किस तरीके से हम अपने डेटाबेस को लॉन्च करेंगे। तो आज की हमारी क्लासेज है कि ओरेकल डेटाबेस को हम किस तरीके से लॉन्च करेंगे। तो मैं यहां आता हूं अपने रिसेंटली होम पेज में। तो और हमारा ओ से है ना, ऑफिस न्यू, इसमें देखिए आएगा आपका गो टू डेटाबेस होम पेज। बेसिकली ये जो वर्क होता है, ये वर्क ये होता है आपकी इस URL वेब बेस्ड पे होता है, तो उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या फिर आप अपने इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे दो है, एक तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड चाहिए तो सिस्टम से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर एक डिफॉल्ट होता है HR, आप HR से इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये इसका पासवर्ड नहीं है, मैं सिस्टम से ही करता हूँ, सिस्टम लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास चार आएगा, एक आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, सिक्वल क्यूरी एंड यूटिलिटी, मतलब कि डेटा को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसका चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर मान लो मैं न्यू अगर एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे इसमें स्टोरेज मेमोरी सबकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है, तो एक नया यूजर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ यूजर नेम। मैंने यहाँ यूजर नेम मान लीजिए दे दिया IPT। अच्छा, HR जो कैप्स में था इसलिए नहीं हुआ था, एक बार मैं इसको यहाँ पेश करता हूँ दोबारा, मैं HR से लॉगिन करता हूँ, HR को मैं कैप्स में लिखता हूँ। जी हाँ, नहीं आइकन्स डेटाबेस यूजर्स एंड यहाँ पे डिस्प्ले 15 क्रिएट कर दिया। इसमें यूजर नेम, यूजर नेम हमने यहाँ पे IPT कर दिया, पासवर्ड अपना डाल दीजिए, पासवर्ड कंफर्म कीजिए, एक्सपायर पासवर्ड नो, अकाउंट अनलॉक, यूजर्स टेम्पररी जो भी आप देना चाहते हैं। इसमें और भी जैसे बोल जैसे कि क्या क्या कर सकता है डेटाबेस लिंक सिस्टम, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी कंडीशन से कंडीशन दे सकते हैं। एंड ये मैं इसमें दे रहा हूँ पूरा, और मैं इस पे क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे लॉगिन करता हूं IPT से।
आगे हो गया। तो इस तरह से आप इसकी अपने ओरिकल को लॉन्च कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे वीडियो में आप बने रहें, हम ओरिकल, एसक्यूएल, एक्सेल, वीवीए, इन सबों के बारे में हम बहुत सारे वीडियोज अपलोड करेंगे, और साथ में हम लोग पेन ड्राइव भी सेल करते हैं, तो आप हमारी पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें इसी वीडियो में, अगर वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि जैसे मैं अपलोड करूंगा वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा देखने को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।